हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी एवं पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर है, तंत्रिका स्रावित करने वाले एपिनेफ्रिन या नर एपिनेफ्रिन कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं बताना है आपको। चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, एड्रिनर्जिक बोलते हैं, कोलिनर्जिक बोलते हैं, एमोनिलिक बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा, ए बी सी या फिर डी ऑप्शन। वीडियो पसंद आ रहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सॉल्टेटरी प्रसारण किसमें होता है, यह प्रसारण किसमें होता है, नॉन इलिनेटेड तंत्रिका तंतु, माइलिनेटेड तंतु, या फिर इन दोनों में एक डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। 32 आप लोग राइट आंसर क्लिक कर दीजिएगा और स्कोरिंग आप लोग अवश्य करिएगा, 30 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। तो उत्तर आपका जो 32 नंबर का रिलेट करेगा बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर देखिएगा, मस्तिष्क में श्वसन केंद्र होता है, कहां पे होता है ये, मेडुला में होता है, सेरिबलम में होता है, हाइपोथैलेमस में होता है, पेरिकार्डियम में होता है। राइट आंसर क्या होगा, 33 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी DSSP दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में उत्तराखंड एलटी ग्रेड के लिए भी। तो क्वेश्चन नंबर 33 राइट आंसर मेडुला के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णता चालक तंत्रिका है, जो पूर्णता चालक तंत्रिका है यह कौन सी होगी, ऑल्फैक्टरी होगी, ट्राइजेमिनल होगी, वेगस होगी, या फिर एब्ड्यूसेंस होगी, बताइए। पूर्णतः चालक तंत्रिका की बात की जा रही, तो राइट आंसर जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है डी ऑप्शन, उन सभी का उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, सही आंसर के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रफनी के अंग किस संवेदना के लिए होते हैं, तो रफनी के अंग बताइएगा किस संवेदना के लिए होते हैं, ऊष्मा, दर्द, ठंड, या फिर रसायन के लिए। 35 नंबर का सही आंसर आपके स्क्रीन पे दिखना चाहिए, कौन सा ऑप्शन अपनी रफ कॉपी में आप लोग कर रहे हैं सही आंसर के साथ में। और जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कांटेक्ट करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं 500 रुपीज का। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, या फिर किसी दूसरे के द्वारा स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, साथ में आपको जो पीडीएफ्स हैं वो सभी पीडीएफ्स अवेलेबल करा दी जाएंगी। और जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए भी रिन्यूअल के लिए नया बैच शुरू किया गया, उसके लिए आप लोग को ग्रुप में बताया गया, वहां से आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों ने आंसर क्या लगाया है इसका, डी ऑप्शन सभी का गलत होगा, सी भी गलत होगा, बी भी गलत हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऊष्मा, यानी ए ऑप्शन यहां पे सही आंसर के साथ में रिलेट करता है, ए उत्तर राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फोर हेडेड मसल संबंधित है, मैसेस्टर, सोलियस, फैलेंजर, या फिर फैलेंस। 36 तो यहां पे उत्तर जितने भी लोगों ने ए बी सी डी में से लगाया सभी का गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका क्वाड्रिसेप्स, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्वाड्रिसेप्स होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, फोर हेडेड मसल से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांझपन बीमारी किसकी कमी से होती है, कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से बांझपन नामक बीमारी होती है, विटामिन सी की कमी से,
विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की कमी से, या फिर आपका डी ऑप्शन दी अवर विटामिन बी। राइट आंसर किस ऑप्शन को आप लोग रिलेट करेंगे? आपका एग्जाम अगस्त मंथ में कंडक्ट होगा, इसलिए ज्यादा समय आपके पास नहीं है। जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं उतनी ज्यादा मेहनत करिएगा, क्योंकि वैकेंसीज जो इस समय आ रही हैं, इसके बाद कब वैकेंसी आएंगी उसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए सभी लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिएगा। जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में दिए हुए उन सभी चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा, थ्योरी एमसीक्यू सब पढ़िएगा, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 37। तो बांझपन बीमारी जो रिलेट करती है विटामिन ई के साथ में रिलेट करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन तथा खनिज लवण निम्न में से किसके कारक हैं? ये किसके कारक हैं? ऊर्जा प्रदान करने वाले, बल प्रदान करने वाले, रक्षा प्रदान करने वाले, या फिर डी ऑप्शन है फूर्ति प्रदान करने वाले। जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, कुछ लोगों ने आंसर तुरंत अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन आता है तब भी चारों ऑप्शन एक बार जल्दी से रीड करके ही आंसर को अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि इससे आपके गलत नहीं होंगे किसी भी क्वेश्चंस के आंसर, वरना गलत होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि आता सब है लेकिन जल्दबाजी में गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा रक्षा प्रदान करने वाले से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं वो पार्ट आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। बाकी आप लोग को कोई भी दिक्कत आती है तो कॉन्टेक्ट करके पता भी कर सकते हैं, जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं पंकज सर के द्वारा। मनोरचनाएं कार्य करती हैं या किससे रिलेट करती हैं? चेतन स्तर पर, अचेतन स्तर पर, अवचेतन स्तर पर, या फिर डी ऑप्शन इन सभी पर कार्य करती है। 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा अचेतन स्तर के साथ में रिलेट करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रत्यय फ्रायड से संबंधित नहीं है? कौन सा संप्रत्यय है जो फ्रायड से संबंधित नहीं है बता दीजिएगा। स्वप्न विश्लेषण नहीं की बात की जा रही है, सिगमंड फ्रायड से रिलेट नहीं करता है। मुक्त साहचर्य विधि, मनोचिकित्सा, डी ऑप्शन है साइको और अचेतन। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 को किस ऑप्शन से आप लोग रिलेट करेंगे? ए ऑप्शन यानी कि स्वप्न विश्लेषण के साथ में रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इससे आसान क्वेश्चन आपको टॉप 30 में आज शायद ही मिल जाए। बताइए 41 किस ऑप्शन को रिलेट करता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, बी उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस हार्मोन की कमी से विशेष शारीरिक अवस्था माई एक्सडेमा उत्पन्न हो जाती है? इपाइन, फ्राइन, ट्रॉफिक, थायरॉक्सिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 42, क्या होता है? थायरॉक्सिन के साथ में रिलेट करता है। जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया था सी ऑप्शन, उन सभी का उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी शुरू की गई। अब यह क्वेश्चन किसी से गलत नहीं होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन कराया गया है, अगर आप गलत होता है तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ने में लापरवाही की है, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आप गलत ना होने पाए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 1956-57 के साथ में रिलेट करेगा, सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो वस्तु हमारे साथ अत्यधिक संबंधित होती है उसके प्रति हमारी रुचि होती है कथन है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है, आलपोर्ट का है, बोगार्ड्स का है, या फिर रॉस महोदय का है? बताइए।
44। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कांटेक्ट करके पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 9621819209। इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी पेमेंट कराकर आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं, जो नहीं ज्वाइन होना चाहते हैं वो इत्मीनान से अपनी तैयारी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 44 सही आंसर आपका होता है रास महोदय के साथ में, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुरुषों की बाधा दौड़ होती है। जो पुरुष हैं इनकी बाधा दौड़ किससे रिलेट करती है? 100 मीटर, 400 मीटर, 110 मीटर, 400 मीटर। यानी कहने का मतलब है 100 मीटर और 400 मीटर, 110 मीटर और 400 मीटर, या फिर ये दोनों ऑप्शन होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषों की जो बाधा दौड़ रिलेट करेगी ये किससे रिलेट करेगी? 110 मीटर और 400 मीटर के साथ में रिलेट कर जाएगी। बी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग उसका आंसर बताइएगा। महिलाओं की बाधा दौड़ जो होती वह कितनी होती है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन फीड है, ऑलरेडी सर के द्वारा किया दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बता दीजिएगा, फिर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी आपने देखा 110 और 400 किससे रिलेट करता है? पुरुषों की बाधा दौड़ से, जबकि 100 मीटर और 400 मीटर किससे रिलेट करेगा? महिलाओं की बाधा दौड़ से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों एवं महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या होती है। तो इसमें जो बाधाओं की संख्या होती वह कितनी होती है? 12 होती है, 15 होती है, 10 होती या फिर 20 होती है? बताइएगा सही आंसर। और वीडियो पसंद आ रहा तो तुरंत लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके पहले के वीडियोज के लिए आप तुरंत सर्च करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं। पुरुषों एवं महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधाओं की जो संख्या हो जाएगी 10 के साथ में रिलेट कर जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खाने का अधिकतम पाचन होता है, तो खाने का जो अधिकतम पाचन जो होता है यह कहां पे होता है? पेट में होता है, मुंह में होता है, बड़ी आंत में होता है, या फिर आपका डी ऑप्शन है छोटी आंत में होता है? कौन सा आप लोग रिलेट करेंगे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, छोटी आंत के साथ में रिलेट करेगा। सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसके बाद का क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपी टीजीटी उत्तराखंड एलटी ग्रेड डी ट्रिपल एसपी के लिए, क्योंकि वर्तमान समय में यूपी टीजीटी का बैच चल रहा है। जो ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो सकते हैं। उत्तराखंड एलटी ग्रेड का भी बैच चल रहा है और डी ट्रिपल एसपी का जो फिजिकल एजुकेशन का पोर्शन वो बैच चल रहे हैं। जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो सकते हैं। 49 नेफ्रॉन सूक्ष्म संरचना है, यह किसकी सूक्ष्म संरचना है? तो यह है गुर्दे की, यानी कि सी ऑप्शन क्या होता है इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल स्रावित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। बाइल जो स्रावित होता है ये जिगर से स्रावित होता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है, खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एमसी डूगल के द्वारा, लेजरस के द्वारा, कार्ल ग्रुस के द्वारा या फिर हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा? बताइए। 51 जो होता है आपका सही आंसर क्या होता है? जल्दी से अपना राइट आंसर आप लोग बता दीजिएगा। हर्बर्ट स्पेंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल इवेंट में अंतराल प्रशिक्षण कम से कम प्रभावित होता है? साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, तैराकी, ट्रैक इवेंट्स, बताइए। और जितने भी लोग कॉल करके पूछते सर एग्जाम क्या अगस्त में हो पाएगा, तो एग्जाम चाहे अगस्त में हो चाहे आपका सितंबर में हो,
आपको अपनी तैयारी करना है, बाकी गवर्नमेंट का काम है कि एग्जाम कब कंडक्ट कराता है, क्योंकि अगस्त में उन्होंने डेट दे दिया है कि अगस्त में कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आप अपना टारगेट सेट आउट करिए, 31 जुलाई तक सब सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा और 1 अगस्त से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट पे फोकस करिएगा, क्योंकि ज्यादा आप लोग टाइम वेस्ट ना करिएगा कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। फॉर्म निकला है तो इसका मतलब 100% है कि ये वैकेंसी फिल होगी और एग्जाम इसका कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखते हैं 52 का सही आंसर क्या होता है। जिमनास्टिक होता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 53। सर्किट प्रशिक्षण विधि की खोज किसने की, इसकी जो खोज की थी या किसने की थी, मॉर्गन एवं किसने, एडमसन ने की थी। डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्टलेक प्रशिक्षण विधि विकास में उपयोग होती है, किसमें यह उपयोग होती है, सहनशीलता में, शक्ति लचीलापन या फिर गति में, बताइएगा सही आंसर क्या हो सकता है। 54 नंबर का उत्तर जो आपका रिलेट करेगा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सहनशीलता के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैव ऊर्जा का रूप नहीं होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DSSB में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आणविक होगा, ऑक्सीजन होगा, रासायनिक होगा या फिर आपका डी ऑप्शन है प्रकाशीय। क्वेश्चन नंबर है 55, उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। जितने भी लोगों ने बी ऑप्शन अटेम्प्ट किया है उन सभी का आंसर राइट आंसर होगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का क्वेश्चन। जोड़ तथा पेशियों में स्थित रिसेप्टरों को कहा जाता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको लग सकता है, लेकिन आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, इसमें से 1 ऑप्शन आप लोग बता दीजिएगा, वाह ग्राहक होगा, अंतः ग्राहक होगा या फिर प्रोप्रियोसेप्टर होता है, या फिर एक डी ऑप्शन है दूर रिसेप्टर होता है। 56, क्योंकि टफ क्वेश्चन 25 से 30 पूछे जाएंगे 100%, इसके पहले एलटी ग्रेड और 2016 का जो एग्जाम हुआ यूपी में उठाकर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से मॉडरेट आएंगे। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा राइट आंसर 56 में, सी आंसर क्या होगा राइट आंसर के साथ में रिलेट कर जाएगा। जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया था सी ऑप्शन, उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। और अपनी स्कोरिंग आप लोग अवश्य करिएगा, 30 में से आप कितने क्वेश्चंस सही करते हैं, क्योंकि डेली आपको स्कोरिंग के लिए इसलिए बोला जाता है जिससे आपको खुद पता चले कि कितने मार्क्स आप गेन कर रहे हैं और कितनी मेहनत करने की आपको जरूरत है। तो 57 कौशल प्रक्रियाओं में गति का मूलाधार है, पुनरावृत्ति, गति प्रशिक्षण और स्थापित सहज क्रियाओं का संस्थापन, या फिर डी ऑप्शन है ऊष्मीकरण। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा ऑप्शन आप लोग रिलेट करेंगे। तो यहां पे जो आंसर हो जाता है कौन सा होता है, ए बी सी या फिर डी ऑप्शन। तो उत्तर जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया है सी, उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। वीडियो पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोग को जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे जैसे वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का क्वेश्चन। स्क्वाट अवस्था में रोके रखने के दौरान किस प्रकार का पेशीय संकुचन होता है, आइसोकाइनेटिक संकुचन होता है, आइसोटोनिक संकुचन होता है, आइसोमेट्रिक संकुचन होता है, या फिर ये सभी संकुचन होते हैं। 3 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभी तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहां पे आपको आंसर बताना है सिर्फ इस क्वेश्चन का, आइसोमेट्रिक के साथ में रिलेट करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस मंद घातक है? इसका आंसर वेरी कर सकता है। क्यों वेरी कर सकता है? क्योंकि पीजीटी में इसका आंसर अलग माना गया था और यूजीसी नेट में इसका आंसर अलग माना गया और साथ में झारखंड का जो एग्जाम होता है वहां पे इसका आंसर अलग था। तो आप लोग के स्क्रीन पर चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आप लोग बताइएगा और जब गूगल पर सर्च करेंगे तो वहां भी आपको अलग आंसर मिलेगा। तो 59 सही आंसर जो रिलेट करेगा आपका सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, सी उत्तर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, शरीर के किस अंग से पायरिया संबंधित है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एनाटॉमी से रिलेट करते हैं ये क्वेश्चन, दांत, गला, आंख या फिर कान। तो पायरिया रिलेट करेगा, दांत से रिलेट करेगा, इससे आसान क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान था आपके स्क्रीन पर। तो उम्मीद करते हैं आज आपके 20 से कम क्वेश्चन सही नहीं होंगे क्योंकि 30 में से 20 का आप लोग का स्कोर चल रहा होगा तो आप लोग का रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा। अगर थोड़ा सा कम भी हो जाता तो उसको कवर करने के लिए आप थोड़ी सी मेहनत करिएगा, सारे क्वेश्चन आपके धीरे धीरे सही होने लगेंगे। तो अपनी स्कोरिंग आप लोग करके अवश्य बताइएगा 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है 9621819209 पर कांटेक्ट करके पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका पेमेंट आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी पेमेंट कराकर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। तो नए वीडियो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।